कहानी के स्टार्टिंग में चोया को दिखाया जाता है एयरपोर्ट पे। तभी उसके सामने काफी सारी कार्स आके रुक जाती है, जिनमें से काफी सारे गार्ड बाहर आते हैं। साथ में एक लेडी भी आती है जो कि उसे आकर बॉस कहती है। सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, तो ये देखकर चोया उन्हें इशारा करती है ऐसा न करने के लिए। उसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि किसी के सामने ऐसा मेरे साथ मत करना, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी अभी किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे उसकी असिस्टेंट कहती है, बॉस आप सिटी में वापस आ चुकी हैं, अब आपको आगे क्या करना है। चोया कहने लगती है, जिनकी वजह से 12 साल पहले मेरे फादर की जान गई है, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो यहाँ पे अपनी असिस्टेंट से कहने लगती है कि मुझे इतना हाई स्टैंडर्ड किसी को नहीं दिखाना है, मुझे थोड़ा अपनी प्रोफाइल को लो रखना होगा, इसलिए मेरे लिए कोई सिंपल सी कार का इंतजाम करो। उसके बाद उसे एक ऐसी कार में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट कहती है, बॉस ये ठीक है ना। उसके बाद चोया उससे कुछ लो क्लास के कपड़े भी अरेंज करने के लिए कहती है। वहीं पर दिखाया जाता है मिस्टर लियान को। यहाँ पर वो व्हील चेयर पर होते हैं और उनके फादर उन्हें डांट रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे कहने पर उस लड़की से मैरिज करनी होगी, तभी हमें फ़ायदा होगा। लेकिन मिस्टर फूक कह देते हैं कि मैं आपके कहने पे किसी से मैरिज नहीं करने वाला हूँ, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। दिखाया जाता है चोया को, जिसे कि कुछ पुराने टाइप के कपड़े मिल जाते हैं और एक स्कूटी चलाने के लिए दे दी जाती है। वो एक जगह पे जाके अपनी स्कूटी को रोकती है, तभी मिस्टर लियान उसे अपनी कार में से देख लेते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड ये तो वही लेडी है ना, इसका जल्दी से पीछा करो। चोया जब अपनी स्कूटी से उतरती है तो वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि जबरदस्ती उसे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। जब वहाँ पे मिस्टर लियान पहुँचते हैं तो उन्हें वो नहीं मिलती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए कहने लगते हैं अपने असिस्टेंट को। दिखाया जाता है चोया को, जिसे चेयर से बांध के रखा गया होता है। उसके सामने उसकी मॉम और साथ में स्टेप सिस्टर होती है। चोया कहने लगती है कि ये क्या हरकत है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। चोया कहती है कि आपको काम क्या है, मुझसे ये बताइए, क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं है, क्योंकि आपने मेरे डैड के बाद अपना अफेयर किया और इस लड़की को पैदा कर दिया। यहाँ पे उसकी मामू से डांटने लगती है, पर चोया को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसके स्टाफ सिस्टर उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें मेरे बदले किसी पर्सन से मैरिज करनी होगी जो कि बीमार है। चोया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किसी और से मैरिज क्यों करने लगी, तुम्हें अगर मैरिज करनी है तो खुद जाके करो ना। यहाँ पे कहती है उसके स्टाफ सिस्टर, अरे यार उससे हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन मैं किसी बीमार आदमी से शादी नहीं कर सकती हूँ, शादी तो तुम्हें करनी होगी। चोया यहाँ पे मना करने लगती है, तभी उसके स्टाफ फादर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चोया को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी और ना करोगी तो फिर हम तुम्हारी जान ले लेंगे। चोया कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए किसी और पर्सन से मैरिज नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे उसकी स्टाफ सिस्टर अपने डैड से कहती है, डैड देखिए ना ये मेरी बात नहीं मान रही है। उसके डैड कहते हैं गार्ड से कि इसे अंदर ले जाओ और जल्दी से वेडिंग ड्रेस में रेडी करवा दो। उसके बाद वो लोग उसे एक रूम में ले आते हैं, जहाँ पे उसके स्टाफ सिस्टर उसे एक वेडिंग ड्रेस देती है और कहते हैं जल्दी रेडी हो जाओ, और उसके बाद रूम लॉक करके चली जाती है। चोया कहती है यहाँ पे, क्या मैं पागल हूँ जो तुम्हारे कहने पर किसी से मैरिज करूंगी। वो यहाँ पे एक विंडो की तरफ देखती है और उसके बाद रूम में बहुत जोरों से आवाज़ होती है। बाहर जो उसकी स्टाफ सिस्टर खड़ी होती है वो तुरंत ही रूम के अंदर आती है, तो वहाँ पे जो शीशा होता है विंडो का वो टूटा हुआ होता है, तो वो जोरों से चिल्लाने लगती है, मॉम डैड वो भाग गई है, उसे जल्दी से ढूंढे। लेकिन चोया तो यहाँ पे एक पर्दे के पीछे छिपी रहती है। वो उसके बाद बाहर आती है और कहती है, क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ से कूद के अपनी जान दूंगी, अब तो मैं आराम से भाग सकती हूँ। वो फिर आराम से उस घर से निकल जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वो मिस्टर लियान से टकरा जाती है। मिस्टर लियान उसे देखते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम मुझे मिली गई। यहाँ पे चोया तो काफ़ी शॉक होती है, वो गिरने वाली होती है तो मिस्टर लियान उसे अपनी बाहों में संभाल लेते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहला। यहाँ पे वो दोनों ही एक बार में मिलते हैं और दोनों ड्रंक होते हैं, इसलिए एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग में चोया की आँखें खुलती है तो वो सोचती है कि मैंने क्या कर दिया। फटाफट से वहाँ से अपने सामान लेकर जाने लगती है, पर साथ में वो मिस्टर लियान के लिए कुछ पैसे छोड़ जाती है, क्योंकि उन्हें वो कॉल बॉय समझ रही होती है। लेकिन जब मिस्टर लियान को मॉर्निंग में उठने के बाद इतने सारे पैसे मिलते हैं तो उन्हें बुरा फील होता है, लेकिन फिर वो गौर से अपनी बॉडी को देखने लगते हैं कि उस लेडी के टच करने के कारण उनकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें एक वियर्ड सी बीमारी होती है कि अगर उन्हें कोई लेडी छूती है तो उन्हें एलर्जी हो जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी खुश थे और 2 साल से चोया को ही ढूंढ रहे थे, फाइनली उन्हें अब यहाँ पर चोया मिल जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर लियान के पास कॉल आता है कि उनकी ब्राइड भाग चुकी है। वो कहते हैं अच्छा है वो भाग गई है, तो वैसे भी मैं उससे मैरिज नहीं करने वाला था। चोया इस बात को सुन लेती है तो वो उनके पास आके कहती है कि आप अपनी ब्राइड के भागने के कारण दुखी है, आप चिंता मत कीजिए आप मुझसे मैरिज कर लीजिए। वो तुरंत ही उन्हें अपने साथ खींच के ले जाती है और वो दोनों आपस में मैरिज कर लेते हैं। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो मिस्टर लियान चोया से कहते हैं, अब मैरिज तो हमने कर ली है तो क्यों ना तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे पहले तो मना कर देती है,
लियान से वो कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लियान कहते हैं ठीक है, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि फॉर्मेलिटी के हिसाब से हमें साथ में रहना चाहिए। यहाँ पे फिर एकदम से जोया सोचती है कि अगर मैं इनके साथ रहूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी को मेरी प्रोफाइल के बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं रिच हूँ। एकदम से वो मिस्टर लियान को पीछे से हग कर लेती है और कहती है ठीक है हम लोग साथ में रहेंगे, बट मेरी एक कंडीशन है, जो तुम अपना जॉब करते हो ना उसे अब तुम्हें छोड़ना होगा क्योंकि अब तुम मैरिड हो चुके हो, इसलिए किसी और के साथ ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते हो। मिस्टर लियान कहते हैं तुम मुझे समझती क्या हो कि मैं ऐसा वैसा कुछ करता हूँ। जोया कहते हैं मैं जानती हूँ यार तुम अपने पैसे कमाने के लिए वो काम करते हो, लेकिन अब तुम एक फैमिली मेम्बर बन चुके हो मेरे, तो प्लीज़ ये काम छोड़ दो। मिस्टर लियान इससे पहले कि उसे कुछ कन्फर्म कर पाते वहाँ पर उनका असिस्टेंट आ जाता है जो कि उन्हें बॉस कहने लगता है। ये देखकर जोया शॉक होती है और कहते हैं क्या ये तुम्हें बॉस कह रहा है, लेकिन तभी मिस्टर लियान उसे इशारा कर देते हैं, इसलिए वो कहता है नहीं नहीं मैं इन्हें बॉस नहीं कह रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ कि हमारे बॉस इसे बुला रहे हैं। जोया यहाँ पर सोचने लगती है अच्छा तो ये दोनों मिलकर ही ये काम करते हैं। तभी यहाँ पे जोया के पास कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, वो कॉर्नर में जाके उससे कहने लगती है कि एक सस्ता सा घर मेरे लिए खरीद दो ताकि वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रह सकूँ। यहाँ पे देखते हैं मिस्टर लियान को जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि मेरी वाइफ को ना पता चले कि मैं कितना रिच हूँ, जल्दी से तुम मेरे लिए कुछ गरीबों वाले कपड़े खरीद दो लो क्लास यानी, और एक स्कूटी का इंतजाम करो। तो यहाँ पे असिस्टेंट उनके लिए ये सब कुछ ले आता है, वो उसे स्टार्ट करने लगते हैं लेकिन की के बगैर वो स्टार्ट नहीं होती है। मिस्टर लियान देखते हैं कि उनके जो कपड़ों के बटन है वो काफ़ी महंगे हैं, इसलिए वो तुरंत ही उन्हें के दूर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं उस बाइक को लेकर। ये देखकर असिस्टेंट शॉक होता है और कहता है बॉस ने इतने करोड़ों के ये स्टोन फेंक दिए जो कि डायमंड के हैं। यहाँ पे वो फिर अपने एक फ्रेंड को ये बात शेयर करने लगता है कि मेरे बॉस पागल हो गए हैं, उन्होंने एक ऐसी लड़की से मैरिज की है जिसके लिए वो गरीब बनने का दिखावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उसे भी एक लेडी यही मैसेज कर रही होती है कि मेरी लेडी बॉस भी पागलों की तरह बिहेव कर रही है, अपने महंगे से घर की सारी महंगी चीज़ों को घर से बाहर फेंकवा रही है। देखते हैं ये और कोई लेडी नहीं होती बल्कि जोया की असिस्टेंट होती है। जोया की असिस्टेंट और मिस्टर लियान के असिस्टेंट एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे तभी जोया चिल्लाने लगती है कि तुम किससे बातें कर रही हो, बातें करना बंद करो, इस पेंटिंग को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो उसकी असिस्टेंट कहती है बॉस ये आप क्या कर रही है, ये पता है 50 मिलियन की पेंटिंग है, इसे ऐसे मत निकलवाइए यहाँ से। जोया कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मेरा हस्बैंड अब यहाँ पे रहने के लिए आने वाला है, इसलिए उसे ये महंगी चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आनी चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो चलो ठीक है मेरे लिए और इससे भी कोई लो क्लास का घर ढूंढो। उसके असिस्टेंट कहती है बॉस ये सबसे छोटा घर है आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ में से, अब आप प्लीज़ यहीं पर रहिए। यहाँ पर उसे वो पेंटिंग भाले जाने के लिए कहने लगती है। तभी मिस्टर लियान घर के अंदर एंट्री ले लेते हैं, असिस्टेंट उन्हें देखकर कहते हैं कि आप कौन है, बट मिस्टर लियान उस असिस्टेंट के हाथ में वो महंगी सी पेंटिंग देख लेते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड ये पेंटिंग तो बहुत महंगी है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। इस बात को तभी जोया सुन लेती है तो वो एकदम से सामने आ जाती है और कहती नहीं नहीं हस्बैंड ये महंगी नहीं है, ये तो बहुत सस्ती है, फेक है, डुप्लीकेट है। मिस्टर लियान कहते नहीं यार ये बहुत महंगी है, मुझे अच्छे से देखने दो, बट यहाँ पे जोया उन्हें अच्छे से देखने नहीं देती है और अपनी लिपस्टिक से उस पेंटिंग के ऊपर थोड़ा ड्रॉ कर देती है और फिर मिस्टर लियान से कहते हैं असल में ना ये फेक है और अच्छे से बनी हुई भी नहीं है, बेकार है। मिस्टर लियान कहते हैं नहीं मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, मैंने अच्छे से देखा था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग है, ये यहाँ पे क्या करी है। लेकिन जब वो वहाँ से जोया को हटाते हैं तो वो पेंटिंग उन्हें ख़राब नज़र आती है, फिर वो सोचते कि शायद मैंने गलती से इसे महंगा समझ लिया, सच में तो काफ़ी सस्ती लग रही है। वो यहाँ पे पूछने लगते हैं कि ये कितनी सस्ती है, मतलब कितने का खरीदा है। जोया यहाँ पे अपने असिस्टेंट को इशारा करती है तो वो सिर्फ इससे 5,000 की बता देती है। यहाँ पे असिस्टेंट सोच रही होती है अजीब बात है 50 लाख की पेंटिंग को 5,000 का बताना पड़ रहा है। जोया यहाँ पे तुरंत ही अपने असिस्टेंट को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो असिस्टेंट इस बारे में अपने उसी फ्रेंड को बता रही होती है जो कि मिस्टर लियान का असिस्टेंट होता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लियान जब रूम में आते हैं तो जोया उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, उनके पास आके वो उनके साथ फ्लर्ट करती है जिससे कि मिस्टर लियान को अजीब लगने लगता है। जोया कहती है क्या तुम वर्जन हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हो, अरे यार ऐसा बिहेव मत करो। लेकिन जब मिस्टर लियान उसे पकड़ के उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं तो जोया घबरा जाती है और उनसे कहती है आप गेस्ट है इसलिए आपको बेड पर सोना चाहिए, मैं फ्लोर पर सो जाऊँगी। रात के समय में लेकिन जोया बेड पे आ जाती है और मिस्टर लियान को ही बेड से नीचे गिरा देती है। मिस्टर लियान उसे कहने लगते हैं तुम क्या कर रही हो, बट जोया नींद में उन्हें लात मार देती है जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग में आगे खुलती है दोनों की तो दोनों देखते हैं कि एक दूसरे को वो यहाँ पे फ्लोर पे ही हक करके सो रहे हैं। जोया मिस्टर लियान से कहते हैं कि आप मेरे पास फ्लोर पे क्यों आए,
अब तो बेड पे सो रहे थे ना। लियान कहता है कि बेड से तुमने मुझे गिराया है और तुम ही मेरे पास आ गई हो यहाँ पे सोने के लिए। तभी दोनों के फोन रिंग करने लगते हैं। दोनों फोन उठाते हैं तो उन दोनों के असिस्टेंट उन्हें तुरंत ही इंपॉर्टेंट काम्स के लिए बताने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं जब मिस्टर लियान घर से बाहर जा रहे होते हैं तो चोया पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर लियान उसे कह देते हैं कि मैं नई जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, तुमने तो कहा है कि मुझे अपनी जॉब चेंज कर देनी चाहिए। ये बात सुन के चोया काफी खुश होती है कि यार ये तो बहुत अच्छा पर्सन है। उसके बाद चोया को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे डांट रही होती है। लेकिन चोया कहती है मैं आपको अपनी मॉम मानती ही नहीं हूँ क्योंकि आपने इस अंकल के अफेयर के चक्कर में मेरे डैड की जान ले ली। उसकी मॉम कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चोया कहती है कि अब ये सब बातें छोड़े, इस घर को खाली कर दे क्योंकि ये घर मेरा है। लेकिन उसकी मॉम कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तुम्हारे फादर की लीगल वाइफ थी इसलिए इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन चोया कहती है कि विल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे तभी चोया की असिस्टेंट विल को पढ़ के सुनाने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि ये विल झूठा है। वो उस विल को देखने लगती है तो उसमें सच में ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन उसकी मॉम कहती है इसमें एक कंडीशन है कि जब तक तुम मैरिज नहीं कर लेती हो तुम्हें सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। चोया कहती है ओ सॉरी, गुड न्यूज़ तो देना आपको भूल ही गई हूँ कि मैं मैरिज कर चुकी हूँ। ये बात सुन के उनके होश उठ जाते हैं। चोया यहाँ पे उन्हें घर खाली करने के लिए कुछ समय देती है। साथ में वो अपने उस स्टाफ डैड से भी कह देती है कि जल्दी मैं आपसे अपना बिजनेस भी वापस ले लूँगी जो कि मेरे फादर का है। वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चोया की स्टाफ सिस्टर कहने लगती है मॉम डैड अब हम क्या करेंगे। उसके डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, इसे कौन सा बिजनेस चलाना आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर लियान को जो कि अपने फादर के सामने होते हैं। अब वो यहाँ पे बीमार होने का नाटक भी करते हैं और साथ में कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता हूँ इसलिए व्हील चेयर पर रहते हैं। यहाँ पे उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम मैरिज क्यों नहीं कर रहे हो, उस लड़की से मैरिज कर लो, उसकी फैमिली के साथ हमारे बिजनेस के रिलेशन बनेंगे तो हमें फायदा होगा। बट यहाँ पे बिल्कुल मना कर देता है लियान। तभी उसका स्टेप ब्रदर कहने लगता है डैड आप इन्हें छोड़िए, आप जिस लड़की से कहेंगे ना मैं उससे मैरिज कर लूंगा। उसके डैड फिर यहाँ पे लियान से कहने लगते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बिजनेस से बाहर निकाल दूंगा। लियान कहता है आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मैं आपसे नहीं डरने वाला हूँ। और साथ में वो उन्हें बताने लगता है कि मैं ऑलरेडी मैरिज कर चुका हूँ। और फिर उन्हें कुछ पेपर्स और दिखाता है और कहता है मैं आपको बता दूँ कि ये बिजनेस मेरी मॉम का है इसलिए आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद उसके फादर की तबीयत खराब होने लगती है। तो उसका स्टेप ब्रदर अपने फादर को संभालने लगता है और कहता है डैड आप मेरी मैरिज करा दे जिससे भी आपको करानी है, लेकिन इस बिजनेस का हेड मुझे बना दे। लेकिन क्लार्क उसके फादर नहीं सुनते हैं क्योंकि उनका ध्यान पूरा लियान के ऊपर ही होता है। उसके बाद चोया को देखते हैं जो कि अपनी कार में होती है। यहाँ पे उसके असिस्टेंट उसे कहती है कि आपके स्टेप फादर की एक और कंपनी है जिसे वो ली ग्रुप के साथ मिलकर चलाते हैं और उन्हीं के बेटे के साथ वो आपकी मैरिज कराने की बात कह रहे हैं। चोया यहाँ पे कुछ पेपर्स को गौर से देखती है और कहती है फिर तो मुझे उस कंपनी में जाना चाहिए ताकि मुझे कुछ एविडेंस मिल सके। यहाँ पे वो अपने ड्राइवर को पीछे ही कार रोकने के लिए कह देती है और फिर अपने उसी स्कूटर से उस नई कंपनी में पहुँच जाती है। जब वो अपने उस स्कूटर को पार्क करने वाली होती है पार्किंग एरिया में तो वहाँ पे दो लड़कियाँ आ जाती है जो कि उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। चोया कहती है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे पार्किंग का स्पेस है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम अपनी इस बेकार की स्कूटी को यहाँ पे खड़ी नहीं करोगी क्योंकि आज हमारे बॉस आने वाले हैं मिस्टर ली, उन्हें हमें इम्प्रेस करना है। यहाँ से हम हर गंदी चीज़ को हटा रहे हैं और ये भी गंदी है। चोया यहाँ पे उससे कहती है कि मैं यहाँ पे नई इंटर्न हूँ, तो वो लड़की कहती है कि मैं मैनेजर हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी, इन चीज़ों को यहाँ से धो ले जाओ। चोया उनकी बात नहीं मानती है तो काफ़ी सारे लोग आकर उसे तंग करने लगते हैं जिस वजह से चोया नीचे गिर जाती है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि मिस्टर ली आ चुके हैं इसलिए वो लोग जाकर वहाँ पे मिस्टर ली का वेलकम करने लगते हैं। चोया यहाँ पे पीछे से मिस्टर ली को देखती है तो वो देखती है कि ये तो उसका हस्बैंड लियान है इसलिए वो उसे हस्बैंड कह के बुलाती है। मिस्टर लियान जैसे ही उसे देखते हैं वहाँ पे तो उनके तो होश उठ जाते हैं। जिन लड़कियों ने चोया को तंग किया था वो भी कहने लगती है क्या ये बॉस की वाइफ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे मिस्टर लियान अपने असिस्टेंट को कहकर चोया को दूसरी तरफ ले आते हैं। अकेले में वो यहाँ पर उससे बात करते हैं। चोया कहती है कि आप क्या इस कंपनी के बॉस है, तो मिस्टर ली तुरंत ही अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैं मिस्टर ली नहीं हूँ, मैं तो लियान हूँ, मैं कैसे बॉस हो सकता हूँ, वो तो चल नहीं पाते हैं और देखो मेरे तो पैर बिल्कुल ठीक है। तो चोया कहने लगती है कि फिर सभी तुम्हें बॉस क्यों कह रहे थे और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी व्हील चेयर पर बैठ के। तो यहाँ पे मिस्टर लियान झूठ कहने लगते हैं कि मैं तो मिस्टर ली को व्हीलचेयर सेल करने के लिए आया था, उन्हें व्हीलचेयर कंफर्टेबल चाहिए थी इसलिए बस मैं इसका ट्रायल ले रहा था। यहाँ पे चोया उनकी बातों में आ जाती है लेकिन वो उस दूसरे पर्सन को देख के कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर लियान कह देते हैं कि ये मिस्टर
ली का असिस्टेंट बन चुका है। ये बात सुन के चोया उनसे हैंडशेक करने लगती है, लेकिन मिस्टर लियान उसे ऐसा भी नहीं करने देते हैं। वो यहाँ पे उससे पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चोया कहती है, असल में मैं तो यहाँ पे अपनी नई जॉब का आज स्टार्टिंग करने आई थी। वो कहती है कि मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए वहाँ से वो जाने लगती है। ये सुन के यहाँ पे तुरंत ही लियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि सबको बता दो कि मेरी वाइफ कंपनी में काम करने आई है, इसलिए कोई उसे परेशान ना करे। ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के मैनेजर के पास जाती है, तो वो दो लड़कियाँ कहने लगती है फ़ोन पर, ठीक है हम बॉस की वाइफ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो लोग चोया के पास आ जाते हैं और कहते हैं, आपने बताया नहीं कि आप बॉस की वाइफ है, हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन तभी चोया उनसे कहती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ नहीं हूँ, बल्कि मेरा हस्बैंड तो व्हीलचेयर सेल करता है। यहाँ पे वो दोनों कहने लगते हैं, क्या तुम सच में बॉस की वाइफ नहीं हो? यहाँ पे चोया मना कर देती है। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है चोया की स्टाफ सिस्टर की। वो दोनों उसे देखते हैं और सोचते हैं, ओ माय गॉड, लगता है हमने गलत लड़की को बॉस की वाइफ समझ लिया, ये हो सकती है बॉस की वाइफ। अब वो जाके उसे अच्छे से ट्रीट करने लगती है। यहाँ पे सोच रही होती है चोया की स्टाफ सिस्टर कि शायद मिस्टर ली का छोटा बेटा मुझसे मैरिज करना चाहता है, इसीलिए उसी ने इन्हें कहा होगा मेरा ध्यान रखने के लिए, इसलिए वो भी यहाँ पे अच्छे से उनके सामने नौटंकी करने लगती है। चोया यहाँ पे ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है, अच्छा तो कंपनी में ये भी आई है। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे ऑफिस के अंदर जाने के बाद उसे एक अच्छा सा प्लेस बैठने के लिए देते हैं। लेकिन जब चोया उनसे पूछने लगती है कि मेरा डेस्क कहाँ पर है, तो वो मैनेजर उसे वो वाला डेस्क ऑफर करती है जो कि वॉशरूम के सामने होता है, पर चोया वहाँ पर बैठने से मना करती है। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें वहीं पर बैठना होगा जहाँ पर मैं कहूँगी। ये सब कुछ देखकर चोया की स्टाफ सिस्टर खुश हो रही होती है, पर चोया कहती है, इतने सारे डेस्क खाली है, मैं किसी और डेस्क बैठ जाती हूँ। वो खुद वहाँ पे बैठने जाने लगती है तो मैनेजर गुस्से में उसे चाटा मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे चोया अपनी स्टाफ सिस्टर को आगे कर देती है, जिस वजह से वो चाटा उसे लग जाता है। यहाँ पे सभी लोग फिर उसके स्टाफ सिस्टर से माफ़ी मांगने लगते हैं। मैनेजर तो गुस्से में चोया को जॉब से निकालने की बात कहती है, लेकिन उसके स्टाफ सिस्टर रोक देती है और कहती है, ये करना ठीक नहीं होगा, मैं इसे इससे भी बुरी पनिशमेंट दूंगी। अब वो उन दोनों लड़कियों को ऑर्डर देती है कि तुम इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ ऐसे ही करने लगती हैं। चोया उस अंधेरे वाले स्टोर रूम में जाने के बाद काफ़ी देर तक चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ें सुन के वो लोग बाहर खुश हो रहे होते हैं कि अब इसे अकल आ जाएगी कि किस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जाता है। लेकिन असल में तो चोया अंदर नौटंकी कर रही होती है। वो तो खुश थी कि उसे स्टोर रूम में आने का मौका मिला। वो वहाँ पे सारी फाइल्स वगैरह देखने लगती है और देखते कि 12 साल पहले जब उसके फादर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो क्या गड़बड़ हुई थी, जिसके बाद उनके फादर की जान चली गई थी। यहाँ पे चोया काफ़ी सारे प्रूफ इकट्ठा कर लेती है। दूसरी तरफ देखते हैं उसके स्टेप फादर को जो कि अपनी ही बेटी को चाटा मारता है गुस्से में और कहता है, मैंने तुम्हें कंपनी में आके काम करने के लिए कहा था ताकि आगे चल के तुम कंपनी को हैंडल कर सको, लेकिन तुमने चोया को ही स्टोर रूम में भेज दिया। अगर उसने फाइल के साथ कुछ गड़बड़ की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से जाकर उसे स्टोर रूम से बाहर निकालो। जिसके बाद उसके स्टेप सिस्टर उस रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन जब वो उस रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। असल में वो दूसरे रूम में आ जाती है, जिस रूम में चोया होती है वहाँ पे तो मिस्टर लियान आ जाते हैं, जो सोचते हैं कि उसकी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसे यहाँ पे ये गंदा काम करने के लिए दिया गया है। चोया उन्हें देखती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने क्या अभी तक अपनी व्हील चेयर को सेल नहीं किया है? तुरंत ही वो व्हील चेयर से उठ जाते हैं और कहते हैं, बॉस को ये व्हील चेयर पसंद आ गई है, इसलिए उन्होंने मुझे भी काम पर हायर कर लिया है। वो वहाँ पे व्हील चेयर को साइड में रख देते हैं। चोया फिर उन्हें घर लेकर आ जाती है। उसके बाद घर पर दिखाया जाता है मिस्टर लियान को, जो कि देखते हैं एक न्यूज़ जिसमें बताया जाता है कि उनकी फैमिली एक ऑक्शन रखने वाली है। पीछे से आ जाती है चोया और वो उस न्यूज़ को देखती है, जिसमें वो एक नेकलेस को देखकर याद करती है कि ये तो वही नेकलेस है जो उसके डैड ने उसके लिए बनवाया था, इसका मतलब उसकी फैमिली ने इसे भी ऑक्शन के लिए डाल दिया है। वो यहाँ पर उस नेकलेस को फिर से वापस लेना चाहती है, इसलिए इस बारे में मिस्टर लियान से पूछती है, क्या वहाँ पर मिस्टर ली भी आने वाले हैं तुम्हारे बॉस? यहाँ पर कह देता है लियान, नहीं वो नहीं आने वाले हैं, उनकी फैमिली ऐसे ऑक्शन करती रहती है, उन्हें ऑक्शन में जाना पसंद नहीं है। चोया यहाँ पे पूछने लगती है, वैसे मिस्टर ली दिखते कैसे हैं? तो मिस्टर लियान उसके फेस को पकड़ लेते हैं और कहते हैं उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कि वो है तो हैंडसम, मुझसे कहीं ज़्यादा हैंडसम होंगे। यहाँ पे एकदम से चोया कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद दिखाया जाता है ऑक्शन वाले दिन, जहाँ पे मिस्टर लियान और चोया दोनों ही पहुँच जाते हैं। चोया यहाँ पे अपने फेस को कवर करके जाती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। चोया यहाँ पे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाकर जब अंदर एंट्री लेती है तो मिस्टर लियान का स्टेप ब्रदर उसे देख लेता है। वो जाकर पूछने लगता है गार्ड से कि इन्होंने तुम्हें कौन सा इनविटेशन कार्ड दिया है। वो इनविटेशन कार्ड गोल्डन होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये तो वही सुपर VIP गेस्ट है जिसका मेरे डैड कब से वेट कर रहे थे। यहाँ पे वो उसके साथ फ्लर्ट करने की सोचने लगता है, इसलिए जाकर उससे हैंडशेक करता है।
फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन चोया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसके पास आ जाती है चोया की स्टेप सिस्टर, जो कि उससे बात करने लगती है। चोया की स्टेप सिस्टर से बात करके उसे ऐसा लगता है कि शायद इसी लड़की से मेरे ब्रदर लियान की मैरिज होने वाली है, इसलिए यहाँ पे वो खुद उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपना रूम कार्ड दे देता है। यहाँ पे ये देखकर तो चोया की स्टेप सिस्टर खुश हो जाती है। ये सब कुछ दूर से चोया भी देख रही होती है। उसके बाद वो ऑक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे चोया की स्टेप सिस्टर उसे कहने लगती है कि इसे मैं खरीदना चाहती हूँ, क्या तुम इस नेकलेस को मेरे लिए खरीदोगे। इसलिए यहाँ पे मिस्टर लियान का ब्रदर उसकी बोली लगाने लगता है, लेकिन चोया को वो चाहिए होता है, इसलिए बीच में चोया भी बोली लगाती है। यहाँ पे चोया उसे 5 मिलियन में खरीदने लगती है। ये देखकर उसके ऊपर वो लोग गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें इतनी ऊंची बोली नहीं लगानी चाहिए क्योंकि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। चोया कहती है कि कोई भी इसे खरीद सकता है, आप रोक नहीं सकते हैं, अगर आपको खरीदना है तो आप आगे इसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लियान के ब्रदर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो उसी को अपना नाम पीछे लेने के लिए कहते हैं, पर चोया मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे तभी चोया की सिस्टर कहने लगती है, अगर सच में तुम्हें इसे खरीदना है तो पहले अपना कार्ड दिखाओ, देखते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे है भी या फिर नहीं। चोया यहाँ पे तुरंत ही अपना कार्ड दे देती है, लेकिन जब वो लोग उससे पेमेंट करने लगते हैं तो पेमेंट नहीं होता है, जिसके बाद चोया की स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम एक धोखेबाज हो। यहाँ पे तुरंत ही लियान का ब्रदर कुछ गार्ड को बुलवा लेता है ताकि वो लोग उसे वहाँ से बाहर ले जा सके। वहाँ पे आ जाते हैं लियान के फादर और कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पे लियान का ब्रदर कहता है, देखिए डैड, ये फेक है, यहाँ पे अपना फेक कार्ड लेके आई है इस चीज़ को खरीदने के लिए, इसलिए हम लोग इसे बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जब उसके डैड उस कार्ड को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये फेक कार्ड नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक गोल्डन कार्ड होता है। यहाँ पे वो उसे रिटर्न करते हैं और कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी बेटी की वजह से। लेकिन फिर भी उनका बेटा कहता रहता है, डैड ये झूठी लड़की है, आप इसकी बातों में ना आए। तो उसके डैड उसे ही एक चाटा मार देते हैं। ये देखकर चोया की सिस्टर उसके मास्क को हटाने लगती है ये देखने के लिए कि ये लड़की है कौन। जब वो चोया को देखती है तो एकदम से कहने लगती है मिस्टर लियान के फादर से, अंकल देखा, ये तो मेरी स्टेप सिस्टर है, ये कोई भी रिच पर्सन नहीं है, ये आपको धोखा दे रही है। तभी वहाँ पे मिस्टर लियान भी आ रहे होते हैं, वो दूर से ये सब कुछ देखते हैं तो एकदम से छिपने लगते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है, बॉस आपकी वाइफ यहाँ पे क्या करी है। मिस्टर लियान कहते हैं, मुझे क्या पता ये यहाँ पे कैसे आ गई। वो लोग उनकी दूर से ही बातें सुनने लगते हैं। चोया की सिस्टर कहने लगती है कि पक्का इसने इस इनविटेशन को चुराया होगा, वरना ये यहाँ पे कैसे आ सकती है। मिस्टर लियान के फादर पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं और आपके पास ये सब कुछ कैसे आया। चोया यहाँ पे अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती है, इसलिए वो कहने लगती है कि मैं जीके ग्रुप के बॉस के लिए काम करती हूँ और उन्होंने ही मुझे आज यहाँ पे भेजा है, और ये कार्ड फेक नहीं है, आप फिर से पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। मिस्टर लियान जब दूर से ये सब कुछ सुनते हैं तो वो अपने असिस्टेंट को जाकर अपनी वाइफ की मदद करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे असिस्टेंट पहुँच जाता है और कहता है, मेरे पास एक नई मशीन है, इससे पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे वो कार्ड लेने लगता है चोया से उसका, लेकिन वो चोया की बजाय वहाँ पे मिस्टर लियान के कार्ड को यूज़ करता है और पेमेंट हो जाता है, और फिर साथ में उस कार्ड को रिटर्न कर देता है। यहाँ पे ये देखकर हैरान होती है चोया की सिस्टर तो, लेकिन चोया उस कार्ड को नोटिस करती है तो उसे समझ में आता है कि ये कार्ड उसका नहीं है, इसलिए वो उनके पीछे जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे चोया व्हीलचेयर को जाते हुए देखती है तो उसे समझ में आता है कि ये मिस्टर ली है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर ली को, जो कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि जी के ग्रुप के बॉस के बारे में पता लगाओ, आखिरकार मेरी वाइफ उसके लिए क्यों काम करने लगी, और वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। यहाँ पे जो होती है चोया की सिस्टर, वो जाके मिस्टर लियान के ब्रदर के साथ अफेयर करने की कोशिश करती है, उन्हें पटाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसलिए उससे अपना कार्ड ले लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये लड़की वो नहीं है जिससे उसके ब्रदर की मैरिज होने वाली थी। उसके बाद दिखाया जाता है उसके फादर को, जिन्हें अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि जो पेमेंट आज हमें उस नेकलेस के लिए रिसीव हुई है वो बल्कि मिस्टर लियान के कार्ड से की गई है। ये बात सुनकर उसके फादर हैरान होते हैं और कहते हैं कि उस लड़की के बारे में पता लगाओ कि उसका मेरे बेटे से क्या रिश्ता है। उसके बाद देखते हैं उन दोनों के असिस्टेंट्स को, जो कि आपस में मिलते हैं, जहाँ पे चोया की असिस्टेंट उससे कहने लगती है, तुम्हारा बॉस मिस्टर ली है ना, तुम उसके बारे में मुझे कुछ बताओ, क्या वो सच में नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे वो कह देता है उसे ऐसा नहीं है, वो तो ठीक ठाक है, बस वो बीमार होने का ड्रामा करते हैं, वो बिल्कुल चल सकते हैं। ये बात सुन के चोया की असिस्टेंट शॉक होती है। उसके बाद चोया को दिखाया जाता है, उसके सामने कार आकर रोक देते हैं मिस्टर लियान के फादर। वो यहाँ पे उससे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, इसलिए चोया उनकी कार में बैठने लगती है और कुछ लड़कियाँ उसका वीडियो बना लेती है और सेंड कर देती है उसके सिस्टर के पास। आगे उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर चोया उनसे कहती है कि आपको मुझसे क्या काम है।
जहाँ पे मिस्टर लियान के फादर उसे 1 मिलियन का कार्ड देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लियान को छोड़ना होगा। ये बात सुन के चोया उनसे कहती कि आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मेरे रिश्ते को तुम उसके साथ समझ नहीं सकती हो। उनकी ये बात सुन के चोया को लगने लगता है कि शायद मिस्टर लियान ने कॉल बॉय का काम उनके लिए भी किया था, क्योंकि यहाँ पे उसके फादर कहते ही ऐसे हैं कि माना कि मेरी उससे कुछ समय के लिए दूरी हो गई है, अब हमारी बन नहीं रही है, लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ, तुम हमारे रिश्ते को कभी नहीं समझ पाओगी। ये बात सुन के यहाँ पे चोया के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं मिस्टर लियान के लिए, लेकिन वो कह देते कि आप ही उन्हें भूल जाए, आप मुझे 1 मिलियन देते हैं, मैं आपको 5 मिलियन देती हूँ उनका पीछा छोड़ने के लिए, क्योंकि अब वो ऐसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुस्से में उनके फादर कह देते कि मुझे पता है कि उस दिन जो पेमेंट की गई थी वो मेरे बेटे के कार्ड से की गई थी। ये बात सुन के सोचने लगती है चोया, इसका मतलब यह है कि मेरा डाउट सही था, वो मिस्टर ली थे, पर उन्होंने मेरी मदद क्यों की। यहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम मेरे बेटे का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। चोया कहते कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपके बेटे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ मैं लियान को नहीं छोड़ने वाली हूँ, ऐसा कहकर वो चली जाती है। ये बात सुन के खुद मिस्टर लियान के फादर कन्फ्यूज से हो जाते हैं कि ये लड़की पागल है, क्या कह रही है। उधर देखते हैं मिस्टर लियान को, जिन्हें उनका असिस्टेंट बता देता है कि आपके फादर आपकी वाइफ से मिले हैं। ये बात सुन के वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे चोया बैठ के कॉफ़ी एंजॉय कर रही होती है, तभी लियान भागते हुए आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। चोया कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। लियान कहता है तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो। चोया कहती है कि मैं क्यों नाराज रहने लगी, वो तुम्हारा पास था, अब मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो फ्यूचर में किसी भी ओल्ड मैन के साथ ऐसा वैसा रिश्ता मत रखना। मिस्टर लियान तो शॉक हो जाते हैं, चोया फिर वहां से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है मिस्टर लियान के फादर को, उनका असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, वो भी आपके बेटे की वाइफ के साथ, सब लोग कह रहे हैं कि आपका उस लड़की से अफेयर है। ये बात सुन के यहाँ पे मिस्टर लियान के फादर ही परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अपने साथ मेरे वीडियो को बना के वायरल करने की कोशिश कर रही है। चोया को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को लेकर अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसकी सोसाइटी के गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। चोया रीज़न पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि तुम जैसी लड़की इस सोसाइटी में नहीं रह सकती है, क्योंकि तुम्हारा अफेयर एक ओल्ड मैन के साथ है, तुम्हारा एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। यहाँ पर चोया और लियान अपने फ़ोन में वीडियो देखने लगते हैं, तो यहाँ पर मिस्टर लियान कहते हैं ये क्या हो रहा है, मेरे फादर के साथ इसका वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा है। यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा किसने किया होगा, तभी वहाँ पर चोया की स्टाफ सिस्टर आ जाती है और कहती है देखा तुम कितनी घटिया हो, अब तुम यहाँ पे क्या ही करोगी रह के, तुम्हें यहाँ पे रहने की परमिशन नहीं है। चोया कहती है कि अच्छा ये काम तुम्हारा है। यहाँ पे उसके स्टाफ सिस्टर कहने लगती है ऑफकोर्स ये काम मेरा है, लेकिन तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी मिस्टर लियान कहते हैं पहले नहीं था बट अब है, वो किसी को कॉल करते हैं और उसके बाद कहते हैं देखो यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं और जो बात तुमने कही है ना हमें उसका रिकॉर्डिंग मिल गया है। यहाँ पे एकदम से वो गार्ड कहने लगते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी सिस्टर ने ही आपको फंसाया है, फिर तो आपकी सिस्टर बेकार लड़की हुई, आप अंदर जा सकती है। ये बात सुन के चोया की सिस्टर को उन गार्ड्स पर भी गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भड़कने लगती है, कहती है कि मैं देखती हूँ तुम लोग इस सोसाइटी में कैसे रहते हो, इस सोसाइटी को मेरे जानने वाले कंट्रोल करते हैं। मिस्टर लियान जब उसकी काफ़ी बकवास सुन लेते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे भी कुछ लोगों से कनेक्शन है जो तुम्हें यहाँ से हटा सकते हैं। वो यहाँ पर हेल्प के लिए अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं, बट यहाँ पर असिस्टेंट तो चोया की असिस्टेंट के साथ डेट पे जा रहा होता है, इसलिए वो आज अपने प्यार के चक्कर में अपने बॉस का ही कॉल कट कर देता है और पहुंच जाता है बुके लेकर यहाँ पे चोया की असिस्टेंट के पास, जिसके बाद यहाँ पे मिस्टर लियान का तो कचरा हो जाता है। ये देखकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगती है चोया की सिस्टर, लेकिन फिर चोया कहती है अगर ऐसा है तो मैं किसी को बुला लेती हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो। चोया यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करती है, तो यहाँ पर उस समय असिस्टेंट होती है मिस्टर लियान के असिस्टेंट के साथ, वो उसका हाथ पकड़ने की सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास कॉल पहुंच जाता है, इसलिए वो पहले अपने बॉस की कॉल को रिसीव करती है। ये देखकर मिस्टर लियान का असिस्टेंट तो वहाँ पे काफ़ी गुस्सा सा करने लगता है। यहाँ पे वो कहते कि मेरे बॉस को मेरी ज़रूरत है तो जाना होगा। मिस्टर लियान का असिस्टेंट रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती है, तो वो कहता है चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मदद कर दूंगा, और इस बहाने उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो मिस्टर लियान का असिस्टेंट तो घबरा जाता है कि यहाँ पर तो मेरे भी बॉस खड़े हैं, इसलिए वो उसे वहीं पर दूर ड्रॉप कर देता है और कहता है कि मुझे अर्जेंट काम है इसलिए जाना होगा, और खुद वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे जब चोया की असिस्टेंट पहुँच जाती है तो वो चोया को बॉस कहने लगती है, लेकिन मिस्टर लियान को देखकर चुप हो जाती है और कहती है असल में बॉस ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है चोया। यहाँ पे
जोया से पूछने लगता है लियान कि तुम इसे कैसे जानती हो, ये तो जीके ग्रुप की असिस्टेंट है। यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं उनके लिए भी काम करती हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हें बाद में डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे जब जोया की असिस्टेंट डील करने लगती है उसकी स्टाफ सिस्टर से और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है, तो यहाँ पे वो उसे फेक बताने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन जोया की असिस्टेंट कहती है अगर ऐसा है तो मैं किसी को बुला सकती हूँ ये प्रूफ करने के लिए। जोया की सिस्टर ही कह देती है कि तुम किसे बुलाओगी, अपने जैसे ही एक फेक आर्टिस्ट को। मैं एक अंकल को बुलाती हूँ जो कि तुम लोगों को अभी यहाँ से उठा के बाहर फेंक देंगे। वो यहाँ पे किसी को कॉल करके बुलाती है। वो अंकल जब वहाँ पे आते हैं तो वो तो चोया की असिस्टेंट को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैडम आप यहाँ पे क्या करिए, और वो उल्टा यहाँ पे चोया की स्टाफ सिस्टर को डांटने लगते हैं कि तुम मुझे किन से पंगा लेने के लिए कह रही हो। वो यहाँ पे चोया की सिस्टर को ही वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लियान यहाँ पे चोया से सवाल करने लगते हैं, तभी उनके असिस्टेंट कॉल कर देता है और कहता है कि आपके फादर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो घर पहुँच जाते हैं। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ कैसी है, मुझे अपने साथ फंसाने की कोशिश करी है, उस लड़की को छोड़ दो। बट मिस्टर लियान उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं पहले आप इस वीडियो को इंटरनेट से हटवाइए और आपको किसने कहा था मेरी वाइफ से मिलने के लिए। वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट को देखते हैं जो सोचता है कि फिलहाल इतना कुछ हो गया है, शायद बॉस मेरी उस मिस्टेक को भूल गए होंगे कि मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लियान उससे नाराज़ होते हैं और कहने लगते हैं तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, तुम कहाँ थे उस समय। असिस्टेंट माफ़ी मांगता है और कहता है असल में बॉस मैं डेट पर गया था इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, बट आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लियान यहाँ पे गुस्से में होता है तो कहता है मैं तुम्हें अफ्रीका वाले ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दूँ, या तो तुम अपना बोनस भूल जाओ या फिर अपना ट्रांसफ़र ले लो। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे बोनस की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे अपने साथ रहने दे। तो लियान यहाँ उसे थोड़ा डांटता है और कहता है तुम डेट पे मजे कर रहे थे और तुम्हारा बॉस अपनी वाइफ के साथ प्रॉब्लम में था। यहाँ पे उनसे वो माफ़ी मांगता है तो असिस्टेंट को वो पता लगाने के लिए कहता है कि ये वीडियो किसने अपलोड किया है और जल्दी से इसे इंटरनेट से हटवा भी दो। उसके बाद रात के समय में चोया को देखते हैं जहाँ पे उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है बॉस 12 साल पहले जो आपके फादर डील करने वाले थे उनमें उसके साथ उनके दो पार्टनर और थे, जिसमें से एक पार्टनर ने पार्टनरशिप करने से उसमें मना कर दिया था, लेकिन एक अंकल उनके साथ उस समय रहे थे। यहाँ पे चोया उन दोनों से पर्सनली मिलने का सोचती है ताकि उसे कुछ पता चल सके कि 12 साल पहले हुआ क्या था। तभी यहाँ पे उसकी असिस्टेंट उसे ये भी बताती है कि हमने उस वीडियो को भी हटवा दिया है। यहाँ पे मिस्टर लियान को अगले दिन पता चलता है अपने असिस्टेंट से कि जीके ग्रुप के बॉस ने उस वीडियो को हटवाया है, इसलिए वो थोड़े नाराज से हो जाते हैं और कहते हैं आज तो उस जीके ग्रुप के बॉस से जाकर मिलना ही होगा। इसलिए वो उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे वो अपनी वाइफ को देखते हैं इसलिए छिपने लगते हैं। यहां पे हम देखते हैं चोया को जो कि जाके एक लेडी से मिलती है और कहती है कि आपने मेरे फादर के साथ काफी काम किया है, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम क्यों नहीं किया। यहां पे वो उसकी बात सुन के कहती है ठीक है सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन तुम्हें ड्रिंक पीना होगा। मिस्टर लियान अपने असिस्टेंट के साथ ये दूर से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जीके ग्रुप के बॉस ने इनके साथ कोई डील करने के लिए इसे कहा होगा और देखो ये इसे परेशान करी है, इसलिए वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और खुद पीने लगते हैं। वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ही तो साइन करना है, इसकी जगह मैं पीने वाला हूँ, और वो वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं जिससे कि उन्हें नशा हो जाता है। चोया तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो काफ़ी पी लेते हैं, इसलिए चोया उन्हें वहाँ से बाहर ले आते हैं। जहाँ पे मिस्टर लियान काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं और गुस्से में अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। वो उस व्हील चेयर को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन सामने से उसे मिस्टर लियान का ब्रदर आते हुए नजर आता है, इसलिए वो समझ जाता है कि अगर बॉस को उन्होंने ठीक देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो जाने से मना करता है और अपने आप ही बॉस को व्हील चेयर बिठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। पीछे से यहाँ पे चोया भी उनके साथ होती है। यहाँ पे मिस्टर लियान उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, भी खुश हो जाते हैं। उन लोगों को साथ में जाते हुए पीछे से लियान का ब्रदर देख लेता है और वो सोचता है कि मेरे ब्रदर इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं होगा अगर ये दोनों साथ में आ गए तो। आगे हमें दिखाया जाता है घर पे, जहाँ पे मिस्टर लियान की जब आँखें खुलती है तो वो सोचते हैं कि अब मैं अपनी वाइफ को सब कुछ सच बता देता हूँ ताकि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि मैं इसे किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकता हूँ और जीके ग्रुप का बॉस तो बिल्कुल भी मेरी वाइफ को मुझसे छीन नहीं सकता है। इधर बाहर देखते हैं चोया को, जिसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है मिस्टर ली के जो हेड है वो उसे बीमार होने का नाटक कर रहे हैं ताकि उन्हें सबकी संपत्ति मिल सके, वो चल सकते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है लियान और कहने लगता है वाइफ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पे कहने लगती है उनसे चोया कि पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आपका जो बॉस है ना वो बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज है, वो तो लड़कियों की सिंपथी पाने के लिए सिर्फ बीमार होने का नाटक करता है, उसके तो पैर बिल्कुल ठीक है। ये बात सुन के मिस्टर लियान थोड़े हैरान से हो जाते हैं कि इसे सब कुछ कैसे पता चल गया। यहाँ पे चोया तो गुस्से में उसकी बुराइयां कर रही होती है और कहती है अच्छा हुआ मेरी मैरिज उससे नहीं हुई और आप मुझे मिल गए और मैंने आपसे मैरिज कर ली, अगर सच में मेरी मैरिज उससे हो जाती ना तो मैं पक्का खुद ही उसकी टांगों को तोड़ देती। ये सुन के मिस्टर लियान डर जाते हैं। चोया कहती कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बात कहनी थी बताइए। यहाँ पे मिस्टर लियान चुप रह जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं कोई बात नहीं थी, बस मैं ये कह रहा था अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। चोया सोचती है कि ये कितने अच्छे हैं ना, जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं इन्हें अपनी सच्चाई बता दूंगी।
उसके बाद देखते हैं मिस्टर लियान को, जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें जीके ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं चला है? जल्दी उसके बारे में पता लगाओ। तभी वहाँ पे उसका ब्रदर आ जाता है एक बुके लेकर और कहता है, ब्रदर मैं जा रहा हूँ जीके ग्रुप के बॉस से मिलने के लिए, अगर उनके बॉस से नहीं मिल पाया तो उनकी असिस्टेंट को तो मैं पटा ही लूँगा। ऐसा कहकर वो यहाँ पर उन्हें जलाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है चोया को, जो कि अपने उस अंकल से मिलने जाती है। वो यहाँ पे उसे एक डील ऑफर करती है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की। ये बात सुन के उसके अंकल काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी रहे होते हैं कि कहीं ये लड़की मुझे जाल में ना फंसा दे। लेकिन तभी वहाँ पे पहुँच जाता है मिस्टर लियान का ब्रदर, और वो चोया को ही यहाँ पे बुके देकर मैरिज के लिए पूछने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि चोया यहाँ पे जीके ग्रुप के काफ़ी क्लोज़ है और उससे मैरिज करने से उसे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चोया एकदम से कह देती है, मैं मैरिड हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और साथ में अंकल को उस डील पे गौर करने के लिए कहती है। वो अंकल तो लालची होते हैं, इसलिए उन पेपर्स को देखकर खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो तुरंत ही कॉल करने लगते हैं चोया के फादर के पास, और ये सब कुछ चोया दूर से देखती है और कहती है मछली जाल में फंस चुकी है। उसके बाद उसके स्टेप फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी पे ही गुस्से में हाथ उठा रहे होते हैं, क्योंकि उसने उस वीडियो को वायरल किया होता है जिसमें मिस्टर लियान के फादर साथ में थे चोया के। वो कहते हैं कि इस वजह से हमारा बिजनेस डूब सकता है, तुम क्यों बेकार में प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगी रहती हो। तभी यहाँ पे उसके पास उसका वही बिजनेस वाला फ्रेंड कॉल करता है और कहता है कि एक अच्छी डील हाथ लगी है, एक प्रॉपर्टी है जो कि सस्ते दामों में मिलने वाली है, इसलिए मिलकर बात करते हैं। उसके बाद मिस्टर लियान को दिखाया जाता है, जहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि आपके ब्रदर ने तो आपकी वाइफ को ही प्रपोज किया है, वो तो उन्हीं के पीछे पड़ा है। ये बात सुन के मिस्टर लियान को गुस्सा आता है और कहता है कि उसे ठिकाना लगाना होगा। तभी यहाँ पे लियान अपने असिस्टेंट को पूछने लगता है, क्या मेरे ठीक होने की बात तुमने किसी को शेयर की है? क्या किसी को ये कहा है कि मैं यहाँ पे व्हीलचेयर पे बैठ के ड्रामा करता हूँ ना चलने का? एकदम से असिस्टेंट थोड़ा घबरा जाता है लेकिन मना कर देता है। तो लियान कहता है कि पता लगाओ कि ये रूमर्स कैसे फैले हैं, क्योंकि ये बात मेरी वाइफ के कानों तक पहुँच गई है। यहाँ पे एकदम से टेंशन में आ जाता है असिस्टेंट। तो उधर हम दिखाया जाता है चोया को, जो कि कहती है अपनी असिस्टेंट को कि ये जो मिस्टर ली का छोटा भाई है ना, उसका कुछ करो, वो आज मुझे प्रपोज करने के लिए आ गया था। उसके असिस्टेंट कहती है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसका आज काफ़ी अच्छा इंतजाम कर दिया है। तभी यहाँ पे उसके पास लियान का असिस्टेंट मैसेज करता है और कहता है, क्या तुमने मेरे बॉस के ठीक होने की बात कहीं कही है? यहाँ पे एकदम से वो डर जाती है और कहती है, मैंने तो कहीं नहीं की है, मेरी बॉस थोड़ी ना किसी को जाके बताएगी। इसलिए वो उसे कह देते, नहीं मैंने ये बात किसी को नहीं कही है, मैं क्यों सीक्रेट्स बाहर निकालने लगी। उसके बाद एक बार में लियान के ब्रदर को एक लड़की के साथ ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। वो यहाँ पे उसकी ड्रिंक में कुछ मिक्स करता है, लेकिन तभी वहाँ पे चोया की सिस्टर पहुँच जाती है उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो वो दूसरी लड़की होती है वो उन ग्लासेस को एक्सचेंज कर देती है। यहाँ पे मिस्टर लियान का ब्रदर चोया की सिस्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके गले पड़ जाती है और उसके साथ ही वो ड्रिंक पीने लगती है। लेकिन दवाई वाली ड्रिंक को यहाँ पे खुद उसके ब्रदर ने पी लिया होता है लियान के, इसलिए उसे यहाँ पे अजीब सा लगने लगता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगती है यहाँ पे चोया की सिस्टर और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद देखते हैं उस लड़की को जिसने ड्रिंक्स को एक्सचेंज किया था, वो यहाँ पे मिलती है चोया की असिस्टेंट को और कहती है कि मैंने आपका काम कर दिया है। आगे दिखाया जाता है चोया को, जिसके पास मिस्टर लियान आते हैं और पीछे से उसे हक करते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। वो यहाँ पे उसे कहने लगते हैं कि वैसे जो मेरे बॉस है उसकी फैमिली के बारे में तुम क्या सोचती हो। यहाँ पे तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और वो कहती है, बॉस आपका काम हो गया है। तो चोया यहाँ पे कहने लगती है, वो बहुत घटिया है, आज उसके छोटे बेटे ने मुझे प्रपोज किया था, वो तो एक नंबर का प्लेबॉय है और मैंने सुना है कि बड़ा वाला बेटा भी उनका ऐसा ही है, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मिस्टर लियान नफरत करने का रीज़न पूछते हैं तो वो बता देती है कि मेरी फादर की जान उनकी वजह से और मेरे स्टेप फादर की वजह से गई है, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर लियान को बुरा लगता है, वो फिर से अपनी सच्चाई उसे नहीं बताते हैं और कहते हैं, जो तुम करोगी ना मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यहाँ पे लेकिन उनसे चोया कह देती है कि मैं खुद अपने आप करूँगी, मुझे आपकी इस चीज़ के लिए मदद नहीं चाहिए। उसके बाद चोया को फिर से उस अंकल के साथ मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पे चोया कहती है, मुझे अपने स्टेप फादर के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए, उसके बदले ही मैं आपको इस प्रॉपर्टी को सस्ते में दिलवा सकती हूँ। यहाँ पे उन दोनों के बीच में डील हो जाती है और यहाँ पे वो पर्सन उसे कुछ फोटोज सेंड कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे चोया के फादर आ जाते हैं स्टेप और कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि मेरा पार्टनर तुम्हारे लिए मुझे धोखा देगा? नहीं, हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों ने ही तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पे चोया ये बात सुन के भी ज़्यादा हैरान नहीं होती है, क्योंकि जब उन लोगों की उस प्रोजेक्ट के लिए
मीटिंग होती है और वहाँ पे वो डील मिल जाती है चोया के स्टेप फादर को, तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि इनकी कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। तो चोया यहाँ पे खुल के उनके सामने आ जाती है और कहती है इस प्रोजेक्ट का फिलहाल इंचार्ज मुझे बनाया गया है, तो प्लीज़ आप पहले ही पैसे कर दे पूरे कंप्लीट जमा। ये बात सुनकर उसके स्टेप फादर कहने लगते हैं कि तुमने मुझे फंसाया है, इतनी जल्दी हम पैसे कहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे चोया फिर उनके सामने ये प्रूफ कर देती है कि जो प्रॉपर्टी आपने लिया है वो आपके काम की है ही नहीं। ये बात सुनकर वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, तभी मिस्टर लियान आकर उसे बचाते हैं। यहाँ पे तभी स्क्रीन पे पीछे चोया के स्टेप फादर के अफेयर के कुछ फोटोज शेयर हो जाते हैं। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि ये फोटोज़ तुम्हें किसने दिए हैं। चोया कहती है असल में ये फोटोज़ तो मुझे अंकल ने ही दिए हैं और जो पैसे आप एडवांस में जमा कर चुके हैं ना ये हम दोनों के बीच में डिवाइड होंगे। यहाँ पे वो उन दोनों के बीच में ही दुश्मनी करवा देती है, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में यहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन फिर चोया के फादर कहने लगते हैं कि तुम्हें वो पैसे हमें वापस करने होंगे। चोया मना कर देती है, तो यहाँ पे वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर लियान उसके हाथ को रोक देते हैं। यहाँ पर उसके स्टेप फादर लियान से कहने लगते हैं कि तुम हो कौन जो मेरा हाथ रोक रहे हो, तुम जैसे लोगों को तो मैं इस सिटी में रहने भी नहीं दूंगा। लियान उससे कहता है क्या तुम ली ग्रुप के साथ पंगा ले सकते हो। वो लोग कहने लगते हैं क्या तुम ली ग्रुप को जानते भी हो जो उनका नाम ले रहे हो। तभी मिस्टर लियान कॉल करते हैं। कुछ समय में वहाँ पे असिस्टेंट पहुँच जाता है जो कि यहाँ पे मिस्टर लियान को बॉस कहने लगता है और कहता है कि बॉस इस बार मैंने आने में देर नहीं की। ये बात सुन के यहाँ पे हैरान हो जाती है चोया। तो उसके बाद वो असिस्टेंट उन लोगों से कहने लगता है कि तुम हमारे बॉस के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं। मिस्टर लियान के होश उठ जाते हैं कि उसकी पोल तो अब खुल गई है उसकी वाइफ के सामने। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। चोया भी कहती है पहले इस मैटर को खत्म होने दो, बाद में मैं तुम्हें देखती हूँ तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छुपाई। चोया के फादर एकदम से कहने लगते हैं कि वो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो व्हीलचेयर पे रहते हैं। तो मिस्टर लियान कह देते हैं असल में मैं काफ़ी लेजी हूँ इसलिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता हूँ। अब ये थोड़ी ना हो गया कि कोई व्हीलचेयर पे चलता है तो वो लंगड़ा लूला होगा। यहाँ पे एकदम से उनसे कहते हैं चोया अच्छा बहाना बना लेते हो तुम। वो उसे यहाँ पे नाराज से रहते हैं, मिस्टर लियान उसे मनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के चोया के स्टेप फादर के होश उड़ जाते हैं। वो फिर कहने लगते हैं लियान से आपको वो बता दूँ ये मेरी वही बेटी है जो मैरिज छोड़ के भाग गई थी, आपको इस जैसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए और इसने किसी घटिया से पर्सन मैरिज कर लिया है। तभी यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने फादर यहाँ पर वो उन्हें बता देते कि हम दोनों ऑलरेडी मैरिज कर चुके हैं। यहाँ पे उसके फादर के काफी होश उठते हैं। वो फिर कहने लगते हैं मैं तुम्हारा फादर लगता हूँ इस नाते तुम्हें हमारे साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन चोया कहते कि मैं आपको कभी भी अपना फादर नहीं मानती हूँ। यहाँ पे गार्ड्स उन्हें जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। चोया से मिस्टर लियान बात करने की कोशिश करते हैं बट वो रूठ कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उसके पीछे जाने लगते हैं तो असिस्टेंट रोक लेता है ये कहकर बॉस लास्ट टाइम मैंने आपकी मदद करने में देरी कर दी थी बट देखिए इस बार मैं टाइम से आया तो आपको मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। मिस्टर लियान कहते हैं हाँ अच्छा काम किया है तुमने आज इसलिए मैं तुम्हारे पूरे एक महीने का नहीं पूरे एक साल का बोनस कट करता हूँ। ये बात सुन के यहाँ पे असिस्टेंट काफ़ी शॉक होता है। उसके बाद चोया को घर पे दिखाया जाता है। वो यहाँ पे ये बात अपनी असिस्टेंट से शेयर करती है, कहते कि उसने मुझसे झूठ बोला, वो रिच पर्सन था फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे उसके असिस्टेंट कहते हैं बॉस क्या आप उसे डिवोर्स दे देंगी, लेकिन वैसे आपने भी अभी तक अपनी सच्चाई उन्हें नहीं बताई है तो फिर तो आप दोनों इक्वल हुए ना। तभी पीछे से वहाँ पे मिस्टर लियान बुकी लेकर आ जाते हैं उसके लिए। वो उससे माफ़ी मांगते हैं और सारी बात एक्सप्लेन करने के लिए मौका मांगते हैं, लेकिन चोया उनके मुंह पे वो बुके दे मारती है, उनके मुंह में फूल पत्ते चले जाते हैं। ये देखकर यहाँ पे असिस्टेंट हंसने लगती है और वो फिर कहती है मिस्टर लियान से कि आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि आप उन्हें मना सकें। नेक्स्ट दिखाया जाता है मिस्टर लियान को जो कि चोया के लिए उसका फेवरेट फूड लेकर घर पहुँचते हैं। चोया यहाँ पे स्माइल करती है उन्हें देख के, उनसे फूड तो ले लेती है पर घर के उन्हें अंदर नहीं आने देती है। मिस्टर लियान काफ़ी तंग होते हैं। उनका असिस्टेंट कहने लगता है बॉस अब क्या करना होगा, मैडम तो मान ही नहीं रही है। तो यहाँ पे मिस्टर लियान गुस्से में उसे देखते हैं और कहते हैं करना क्या है, तुम्हारी अफ्रीका की मैंने फ़्लाइट बुक करा दी है, अगर 3 दिन में तुमने मेरी वाइफ को मनाने में मदद नहीं की ना तो अब तुम वहीं जाओगे और साथ में तुम्हारे 10 साल का बोनस भी मैं कट कर दूंगा क्योंकि ये रायता मेरी लाइफ में तुमने ही फैलाया है। यहाँ पे बेचारा असिस्टेंट भी ये बात सुन के परेशान हो जाता है। उसके बाद देखते हैं चोया को, वो जाकर उस आंटी से मिलती है और कहती है कि आपने मेरी काफ़ी मदद की है। यहाँ पे वो आंटी उसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और देती है जिससे कि चोया को पता चल सके कि 12 साल पहले उसके डैड के साथ क्या फ्रॉड किया गया था। चोया यहाँ पे उनसे कहती कि आपने इतने सारे एविडेंस का इंतजाम कहाँ से किया है, तो वो आंटी कहती है इसमें तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी मदद की है, वो एक अच्छा पर्सन है। वो वहाँ से चली जाती है, तभी वहाँ पे मिस्टर लियान आ जाते हैं। चोया तो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है बट वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाह रहा था लेकिन अगर तुम मुझे 2 साल पहले ना मिली होती
और मुझे तुमसे पहली बार में ही प्यार ना होता तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। मुझे तुमसे दूर जाने का डर था, इसलिए मैंने सच छुपाया। झूठ बोलने का मेरा तुमसे कोई इरादा नहीं था। चोया यहाँ पे कहते हैं, तुम्हें मुझसे क्या, ढेरों लड़कियों से प्यार हुआ होगा, कितने लड़कियों से तुम मिले होगे। लेकिन मिस्टर लियान कहते हैं, नहीं, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। मुझे एक रेयर सी बीमारी है, अगर मुझे कोई लड़की टच करती है तो मुझे एलर्जी हो जाती है, पर तुम्हारे टच करने के कारण मुझे कभी एलर्जी नहीं हुई। ये कहकर एकदम से वो उसे टाइटली हग कर लेते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। चोया कहते हैं, ठीक है, बस बहुत हो गया है, बस आगे से मुझसे झूठ मत कहना। मिस्टर लियान कहते हैं, कभी झूठ नहीं कहूंगा। चोया यहाँ पे कहने लगती है, आपको पता है ना कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, मुझे रिवेंज लेना है उन लोगों से जिनकी वजह से मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए थे। मिस्टर लियान कहते हैं, जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और नीज पे बैठ के बिल्कुल उसके बॉडीगार्ड की तरह उससे कहते हैं कि तुम मुझे ऑर्डर्स दे सकती हो। चोया ये देखकर खुश होती है और कहती है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो उन्हें प्यार से हग कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं चोया को, जो कि कंपनी में फिर से वापस जाती है, लेकिन यहाँ पर उससे मैनेजर ये कहकर जॉब जाती है। लेकिन जब वो लड़की उसी फाइल को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं तो उसके बॉस कहते हैं, मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किसने बनाई है ये रिपोर्ट। यहाँ पे वो एकदम से समझ जाते हैं कि उसे अब इस फाइल को समझने के लिए चोया की ही जरूरत होगी। इधर हम चोया को देखते हैं जहाँ पे उसका हस्बैंड उसे मसाज दे रहा होता है। चोया कहती है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, थोड़ा टाइटली करो ना। यहाँ पे वो उसे वीक कहने लगती है तो मिस्टर लियान उसे थोड़ा छेड़ने लगते हैं। कहते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कि मुझ में कितनी पावर है। तभी चोया के पास फोन आ जाता है। यहाँ पे वो लड़की उसे तुरंत ही ऑफिस बुलाने लगती है और उससे हाथ पैर जोड़कर माफ़ी भी मांगती है। चोया कहती है, ठीक है, थोड़ी देर में मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगी। ये देखकर मिस्टर लियान काफ़ी हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट मुझे भी अपनी पावर तुम्हें दिखानी होगी। ऐसा कहकर वो यहाँ पे उसके साथ फिर से मस्ती करने लगते हैं। आगे चोया को दिखाया जाता है, वो ऑफिस पहुँचती है और उस लड़की से बात करती है। यहाँ पे वो लड़की उसे फाइल ठीक करने के लिए कहती है। तो चोया कहती है कि इस फाइल में तुम लोगों ने काफ़ी छेड़खानी की है, मुझे फिर से सारे अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अकाउंट्स दिखा देती हूँ। पर चोया कहने लगती है, तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया है, अगर मैं किसी की परमिशन के बगैर अकाउंट्स वगैरह को चेक करूँगी फिर कल तुम लोग मुझ पर डाउट करोगे कि मैंने कंपनी के सीक्रेट्स को रिवील कर दिया है। यहाँ पे वो ये काम करने से मना करने लगती है, बट वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है, चिंता मत करो, अकाउंट्स मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ क्योंकि इसकी पावर मेरे पास है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो उसे चोरी छुपे ऑफिस के अंदर ले जाती है और चोया को काम करने के लिए कहती है। चोया कहती है, तुम बाहर जाके चौकीदारी करो ताकि कोई अंदर ना आ जाए और फिर मुझे ब्लेम ना करे। इसलिए वो इस बहाने से उस लड़की को बाहर निकाल देती है। चोया यहाँ पे अपने पेन ड्राइव का इस्तेमाल करती है और काफ़ी सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लेती है जो कि उसके काम की होती है। तभी बाहर उसके स्टेप फादर आ जाते हैं और उस लड़की से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की बहाना बना देती है कि जो मेरे बॉस है ना वो अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे कहा है कि मैं किसी को अंदर ना जाने दूँ। इसलिए वहाँ से चोया के स्टेप फादर भी चले जाते हैं। चोया ने ये सब कुछ सुना होता है, वो उनके जाने के बाद तुरंत वहाँ से बाहर आ जाती है और उस फाइल को उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है चोया को, जो कि नेक्स्ट डे अपने घर पहुंचती है तो यहाँ पे उसकी फैमिली उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे वेलकम नहीं किया जा रहा है तो तुम यहाँ से चली जाओ। चोया कहती है कि मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कंपनी जल्दी मेरी हो जाएगी क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स अब मुझे सपोर्ट करेंगे। बट उसके स्टेप फादर कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। चोया यहाँ पे अपने फ़ोन में टाइमर लगा लेती है 2 मिनट का और कहती है, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तुरंत ही उसके स्टेप फादर के पास कुछ कॉल्स आने लगते हैं। उसे बताया जाता है कि उसकी अफेयर की वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रही है, साथ में उसने जो फ्रॉड किया है कंपनियों के साथ वो सब कुछ भी वायरल हो रहा है। ये देखकर उसके फादर शॉक होने लगते हैं। चोया की मॉम तो कहती है, तुम क्या कर रही हो, तुम हमें क्या बर्बाद करके छोड़ोगी, ये कंपनी तुम्हारे फादर ने सेट की थी। लेकिन चोया कहती है, आप मेरे फादर का नाम ही मत लीजिए क्योंकि आपने उनकी जान ली है, वो भी इस अंकल के साथ मिलके। यहाँ पे वो उन्हें एक पेन ड्राइव दिखाने लगती है प्रूफ के तौर पे, तो गुस्से में उसके स्टाफ फादर उसे तोड़ देते हैं। चोया कहती है कि इसे तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका बैकअप पुलिस के पास भिजवा चुकी हूँ। यहाँ पे वो लोग ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। कुछ समय में वहाँ पे पुलिस आ जाती है चोया के स्टेप डैड और उसकी मॉम को अरेस्ट करने के लिए क्योंकि उन लोगों ने मिलकर उसके फादर की जान ली होती है। ये देखकर वो लोग चिल्लाते रहते हैं बट कोई कुछ नहीं सुनता है और पुलिस वहाँ से उन्हें ले जाती है। चोया की स्टेप सिस्टर चोया पे इस बात के लिए हाथ उठाने की कोशिश करती है, पर चोया ही उसे एक चाटा मार देती है और कहती है, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे 20 साल का रेंट नहीं ले रही हूँ इस घर में रहने का, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद देखते हैं चोया की स्टाफ सिस्टर को, जो कि जेल में जाके अपने फादर से मिलती है और कहती है, फादर मैं क्या करूँ, ना तो मेरे पास पैसे है और ना ही रहने के लिए घर। वो उन्हें ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी मिस्टर ली ग्रुप के छोटे बेटे से। ये बात सुन के उसके फादर खुश होते हैं और कहते हैं, तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो। उसके बाद दिखाया जाता है चोया की स्टाफ सिस्टर को, जो कि उसी का एक इंटरव्यू देख रही होती है क्योंकि अब वो अपने फादर की कंपनी को संभाल लेती है। उसके इस इंटरव्यू को मिस्टर लियान के फादर भी देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये लड़की काफ़ी स्ट्रांग है और मेरे बेटे के साथ रह सकती है। इसलिए वो लियान को कॉल करके कहते हैं कि आज तुम अपनी वाइफ को फैमिली डिनर पर लेकर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं
वो उसे फैमिली डिनर पे लेके आते हैं, लेकिन उसके स्टेप मॉम और उसका ब्रदर ज़्यादा खुश नहीं होता है। यहाँ पे चोया उन्हें अंकल आंटी कहती है, तो लियान के डैड कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे डैड कहना चाहिए क्योंकि अब हम एक फैमिली बन चुके हैं। सभी लोग यहाँ पे डिनर करने लगते हैं, तभी मिस्टर लियान के फादर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें आकर कंपनी को संभाल लेना चाहिए, मैं अपने शेयर्स तुम्हारे नाम करने की सोचता हूँ। बट उसकी वाइफ उसे रोक देती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर लियान ने मैरिज कर लिया तो तुम क्या इसे सारी कंपनी दे दोगे, हमारे दूसरे बेटे का क्या होगा, इसकी भी मैरिज तुम्हें करा देनी चाहिए। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं ठीक है मैं इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढता हूँ। तो लियान का ब्रदर तुरंत हाँ कह देता है मैरिज के लिए। ये देखकर कहने लगती है चोया, क्या ये मम्मास बॉय है, कैसे हर बात के लिए वहाँ पे हाँ कह जा रहा है। लियान कहता है कि ये शुरू से ही ऐसा है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाती है चोया की सिस्टर और कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मुझसे मैरिज करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है सभी के बीच में। सभी कहने लगते हैं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लियान की स्टेप मॉम होती है वो कह देती है मैं तुम जैसी लड़की को नहीं एक्सेप्ट करूँगी, तुम झूठ कह रही हो। यही बात लियान का ब्रदर भी कहता है, लेकिन वो कहते नहीं मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच में ये बेबी तुम्हारा है। वो अपनी नीस पर बैठ के उनसे कहने लगती है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये सब कुछ देखकर चोया वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आपको मेरी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लियान का ब्रदर कहता है इसके फादर ने तुम्हारे फादर को मारा है, जब भी तुम इसे सपोर्ट करी हो। यहाँ पे चोया कहती है वो बात अलग है, बट अगर ये प्रेग्नेंट है तुम्हारी बेबी के साथ तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो लोग मना करने लगते हैं। तभी लियान कह देता है कि तुम्हारी मॉम ने भी तो ऐसा ही किया था, ये भी तुम्हें लेकर ऐसे ही मेरे डैड के सामने आ गई थी और इन्होंने कहा था कि मेरे डैड को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, तो तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो इस लड़की को। ये बात सुन के चोया कहती है अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था। यहाँ पे लियान का ब्रदर कहता है कि तुम लोग ऐसे मेरी मॉम की इंसल्ट कर रहे हो। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, बट लियान ही उसे एक लात मार देता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर रहो। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर लियान के फादर उन सभी को चुप कराते हैं, कहने लगती है यहाँ पे चोया की सिस्टर की मैं टेस्ट भी करवा सकती हूँ, ये बेबी आपका ही है। तो यहाँ पे मजबूरन मिस्टर लियान के फादर उसे घर में रहने के लिए कह देते हैं। उसके बाद देखते हैं चोया की सिस्टर को जो कि उसके सामने आके कहने लगती है जल्दी मैं इस घर की हेड बन जाऊंगी, तुम्हें और तुम्हारे लूजर हस्बैंड को घर से बाहर फिकवा दूंगी क्योंकि मैं इस फैमिली को उनका ग्रैंडसन देने वाली हूँ। चोया यहाँ पे कहते हैं कि तुम मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, जाके अपने उस हस्बैंड को मनाओ जो तुमसे रूठा पड़ा है। ये बात सुन के वो पहुँच जाती है उसके पास उससे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो वो उस पर गुस्सा ही करता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने के कारण मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, चुपचाप यहाँ पे पड़ी रहो और मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। यहाँ पे बाहर से ये सब कुछ चोया सुन रही होती है, तभी पीछे से मिस्टर लियान आ जाते हैं और उसे एकदम से डरा देते हैं। वो उससे पूछते कि तुम क्या कर रही थी, चोया कहते कुछ नहीं जो ड्रामा चल रहा था उसी को देख रही थी। मिस्टर लियान कहते हैं ये सारा ड्रामा छोड़ो हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी को ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पे बिजनेस की बात होती है, तो मिस्टर लियान के फादर कहने लगते हैं लियान से कि तुम्हें जाकर अपने ब्रदर की कंपनी में उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो बिजनेस को हैंडल करना सीख जाए, लेकिन यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम मना करने लगती है इस चीज़ के लिए। तो लियान के फादर कहते हैं तुम बार बार मुझे हर चीज़ के लिए रोकती क्यों हो, इन दोनों को कंपनी तो चलानी ही होगी और तुम्हारा बेटा अच्छे से नहीं चला पाता है। तो उसकी मॉम कहती है क्यों ना इन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन करा लिया जाए किसी प्रोजेक्ट को लेकर, जो अच्छा प्रेजेंटेशन देगा या फिर जल्दी उस डील को डन कर लेगा उसी को कंपनी का हेड बनाया जाए। तो यहाँ पे मिस्टर लियान तो इस चीज़ के इरादे में नहीं रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं फादर के साथ इन्वॉल्व होने लगा तो शायद मुझसे चोया दूर हो जाएगी, लेकिन चोया यहाँ पे उन्हें इनक्रेज करती है, जिसके बाद मिस्टर लियान के फादर उन्हें एक डील देते हैं डन करने के लिए। कहते हैं कि एक नया चिप आया है जो कि अब्रॉड में चल रहा है, वो भी जी के ग्रुप ने डेवलप किया है वहाँ पे। अगर तुम लोग उसी चिप को यहाँ पे डेवलप करवा लो तो फिर मैं उसी को इस कंपनी का हेड बनवाऊँगा। ये बात सुन के चोया खुश हो जाती है कि इसके लिए तो मैं अपने हस्बैंड की आराम से मदद कर ही सकती हूँ। यहाँ पे चोया मिस्टर लियान से कहती है आप चिंता मत कीजिए मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी, आप ये कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे उसके स्टेप ब्रदर को उसकी स्टेप मॉम सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पे देखते हैं मिस चोया की सिस्टर को जो कि पहुंच जाती है जी के ग्रुप में उनके बॉस से मिलने के लिए, ये सोचकर कि वो इससे अपने हस्बैंड की मदद कर पाएगी और वो फिर उसे अपने साथ रहने देगा। लेकिन वो वहाँ पे आते हुए देख लेती है चोया को और सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन उसे अंदर नहीं जाने देती है ये कहकर कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती है हमारे बॉस से मिलने के लिए। वहाँ पे एक मैनेजर आ जाता है और कहता है जो भी आपको बात करनी है पहले आप मुझसे कीजिए, उसके बाद ही आप हमारे बॉस से मिल पाएंगी, इसलिए चोया की सिस्टर उससे बात करने लगती है। दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाया जाता है मिस्टर लियान को जहाँ पे उनका असिस्टेंट कहता है बॉस आप क्या सच में जी के ग्रुप के हेड से मिलना चाहते हैं, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट आज उनके साथ फिक्स की है बट आप तो उन्हें पसंद नहीं करते हैं ना क्योंकि वो आपकी वाइफ को ज़्यादा पैम्पर करते रहते हैं। मिस्टर लियान कहता है हाँ लेकिन एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो पर्सन दिखता कैसा है। लेकिन जब वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं तो यहाँ पे उन्हें लेड ये
कह देती है कि बॉस तो जा चुके हैं, उन्होंने आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दी है। ये बात सुनकर मिस्टर लियान को गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब हम जीके ग्रुप के हेड से नहीं मिलेंगे। उनके साथ उनकी जिस टीम ने काम किया था उनमें से कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को हायर करो, उनके साथ मिलके हम यहाँ पे उस नए चिप को डेवलप करेंगे। इस बारे में फिर वो लेडी कॉल करके चोया के असिस्टेंट को बता देती है। चोया के असिस्टेंट इस बारे में चोया को बताती है कि आपका हस्बैंड काफ़ी नाराज होकर यहाँ से गया है, आप कब तक उन्हें अपनी सच्चाई नहीं बताएंगी? चोया कहती है कि अभी सही समय नहीं आया है, समय आने पे बता दूंगी। बाहर से मैनेजर चोया को आवाज़ देता है कि आपसे एक लेडी मिलने के लिए आई है। तो यहाँ पे चोया समझ जाती है कि वो उसकी सिस्टर ही है, इसलिए वो एक रिकॉर्डर से आवाज़ निकालती है ताकि बाहर डिफरेंट तरह की आवाज़ पहुँचे, और कह देती है कि फ़िलहाल मैं नहीं मिल सकती हूँ, उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम दे दो। उसके बाद चोया को देखते हैं जो कि जाकर एक पर्सन से मिलती है और कहती है कि आपने इस चिप को बनाने में हमारी काफ़ी मदद की है, अब मैं चाहती हूँ कि आप मिस्टर लियान की मदद करें। यहाँ पे वो पर्सन कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। चोया कहती है कि मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगी, बस ज़्यादा सवाल मत करें, बस एक बात का ध्यान रखना कि उन्हें ये ना पता चले कि मैंने आपको भेजा है उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पे वो पर्सन उसकी बात समझ जाता है। घर पे दिखाया जाता है चोया के स्टेप सिस्टर को, जो कि अपने हस्बैंड को कुछ फाइलें लाकर देती है, जिस वजह से वो लोग खुश होते हैं। तभी वहाँ से चोया और उसका हस्बैंड जाने लगता है। उसे देखकर उसकी सिस्टर कहने लगती है कि जल्दी आपके हस्बैंड से ये कंपनी छीलने वाली है। चोया कहती है कि अभी इसमें समय है, इतना जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है मिस्टर लियान के कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को उन्होंने हायर किया होता है, वहाँ पे होता है चोया का वो भेजा हुआ पर्सन भी, जो कि बाद में उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन को देखता है और कहता है कि ये सब कुछ तो गलत लिख रखा है इसने, लेकिन वो पर्सन आके उसे डांट देता है ये कहकर कि तुम मेरे काम में दखल मत दो। रात के समय में दिखाया जाता है चोया का जो पर्सन होता है वो कंपनी में आके कुछ चीज़ें चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं और मिस्टर लियान के सामने ले आते हैं। मिस्टर लियान से वो पर्सन कहने लगता है कि ये मेरे सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश कर रहा है और हमारे इस चिप में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, आप इसे हमारे इस काम से बाहर निकाल दें। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन कहता है ये झूठ कह रहा है, मैं तो सिर्फ इसकी चीज़ों को देख रहा था क्योंकि इसका सारा जो इन्फॉर्मेशन है सब गलत है। मिस्टर लियान से वो पर्सन कहता है देखिए ये कितना झूठ बोल रहा है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही है क्योंकि मैंने जीके ग्रुप के साथ काम किया है। लेकिन तभी यहाँ पे लियान का असिस्टेंट उसका पोल खोल देता है और कहता है तुमने उनकी लैब में सिर्फ साफ सफाई का काम किया था, तुमने हमसे झूठ कहा है, और जो तुमने हमसे एडवांस पैसे लिए हैं उन्हें 2 दिन के अंदर भेज दो हमें वापस, वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। गार्ड उसे फिर वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाते हैं। उसके बाद लियान पूछने लगता है उस पर्सन से कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है मेरी मदद करने के लिए, या तो तुम उसका नाम बता दो वरना फिर मैं जो करूँगा उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे वो पर्सन थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद अब इन्हें बॉस के बारे में बताना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे चोया पहुँचाती है, जिसे देखकर लियान कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। चोया कहती है कि काफ़ी बारिश हो रही थी और तुम घर नहीं पहुँचे, इसलिए मैं तुम्हें रिसीव करने आ गई। वो यहाँ पे फिर उस पर्सन को देखती है और पूछने लगती है लियान से कि तुमने इसे बांध के क्यों रखा है। लियान उसे सारी बात बता देता है। यहाँ पे चोया की तरफ वो पर्सन इशारा करता है तो चोया कहती है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, मैं बताती हूँ तुम्हें इसके बारे में, असल में ये जीके ग्रुप के साथ काम करता था लेकिन जीके ग्रुप ने इसे निकाल दिया था, तुम इस डाउट मत करो, ये एक अच्छा पर्सन है, इसे तुम्हें मौका देना चाहिए अपने साथ काम करने के लिए। यहाँ पे अपनी वाइफ की बात तुरंत ही मिस्टर लियान सुन लेते हैं और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं। उसके कुछ दिन बाद दिखाया जाता है मिस्टर लियान को जो कि अपने फादर के पास जाते हैं और उन्हें अपने चिप का डिज़ाइन दिखाने लगते हैं। उसके फादर ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उसका ब्रदर आ जाता है और कहने लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी है जो मेरे ब्रदर ने चुराई है। बट लियान कहता है पहले फाइल को अच्छे से देख लो, क्या सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी ही है? यहाँ पे वो पूरी फाइल को देखता है तो उसे समझ में आता है कि बाकी की रिसर्च उसकी नहीं है। यहाँ पे लियान के फादर कहते हैं कि वैसे वो चिप कहाँ है मुझे दिखाओ, लियान उन्हें दिखाने लगता है। उसके फादर उससे मांगते हैं तो लियान कहता है पहले आप अपना प्रॉमिस पूरा करें। यहाँ पे उसके फादर कह देते हैं ठीक है आज से कंपनी के हेड तुम बन गए हो। ये बात सुनकर उसके स्टेप ब्रदर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जाकर ये गुस्सा अपनी वाइफ पे निकालता है। यहाँ पे उसे मारने लगता है ये कहकर कि तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से आज कंपनी मेरे हाथों से निकल गई है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। यहाँ पे उसकी वाइफ उससे थोड़ा समय मांगने लगती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद चोया की सिस्टर को देखते हैं जो कि चोया के पास एक पेन ड्राइव लेकर पहुंचाती है और कहती है इसमें तुम्हारे फादर की लास्ट वीडियो है मरने से पहले वाली, क्या तुम ये लेना चाहोगी? चोया उससे मांगती है तो वो उस पेन ड्राइव को फेंक देती है और कहती है दर्द हो रहा है, जिसके बाद पूरी फैमिली चोया को ब्लेम करने लगती है। मिस्टर लियान की स्टेप मॉम तो चोया पे हाथ उठाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर लियान उसे रोक देते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे चोया
काफ़ी सैड सी रहती है। तो लियान कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पे भरोसा है। चोया कहती है मैं जानती हूँ कि उसने क्या किया है, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर लियान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, इसलिए वो उसके पास जाता है जहाँ पे असिस्टेंट उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी, इसके पीछे उसकी स्टेप मॉम का हाथ था। मिस्टर लियान यहाँ पे अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली पे नज़र रखो कि वो आगे क्या करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है चोया को जो कि अपनी सिस्टर के रूम में जाती है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है ये कहकर कि तुम्हारी वजह से मेरा बेबी नहीं रहा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चोया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। सारी फैमिली उसे डांट रही होती है ये कहकर कि तुम कितना झूठ बोलोगी। तभी चोया यहाँ पे उस वीडियो को दिखा देती है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो तो खुद अपने आप गिरी थी। ये देखकर पूरी फैमिली फिर उसी पे गुस्सा करने लगती है। मिस्टर लियान के फादर तो उसे गार्ड से कहकर घर से भी निकलवा देते हैं। मिस्टर लियान के स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि कहने लगती है अपने बेटे से कि मेरे पास कुछ पुराने एविडेंस है जिनसे ये पता चल सकता है कि मैंने लियान की मॉम को मरवाया है। आजकल वो कुछ ज्यादा ही चालाकियां कर रहा है कंपनी को अपने हाथों में लेने के लिए, पहले तुम उन एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पर उसका ब्रदर उन एविडेंस को जलाने के लिए एक सर्वेंट को दे देता है। वो सर्वेंट यहाँ पे उन एविडेंस को कुछ पैसों के बदले मिस्टर लियान के असिस्टेंट तक पहुंचा देती है। उसके बाद देखते हैं चोया और उसके हस्बैंड को जो कि अपने डैड से मिलने के लिए जेल में जाती है और कहने लगती है मैं जानती हूँ कि आपका मिस्टर लियान की स्टेप मॉम के साथ भी अफेयर रह चुका है, और हाँ मैंने सुना है कि आपने उनका साथ दिया था इनकी मॉम को मरवाने में, और वो सारा ब्लेम अब आप पे डालने की सोच रही है। ये बात सुन के उसके फादर यहाँ पे मुंह खोलना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं। वो यहाँ पे बताते हैं कि उस लेडी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। मिस्टर लियान जिसे आप अपना स्टेप ब्रदर समझते हैं वो सच में आपका स्टेप ब्रदर नहीं है, आपके फादर का और उस लड़के का कोई भी बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। ये बात सुन के चोया कहने लगते हैं मिस्टर लियान से ये बात हमें अभी के अभी आपके फादर को बतानी चाहिए। लियान कहता है कि वो इतनी आसानी से इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे, हमें कुछ करना होगा। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लियान को जो कि अपने फादर को जाके ये बात बताते हैं, लेकिन उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं ये कहकर कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो इसलिए झूठ कह रहे हो। लियान कहता है अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरा कहना मानिए। यहाँ पे उसके बाद देखते हैं मिस्टर लियान के फादर बीमार होने का नाटक करते हैं। वहाँ पे जब उसकी फैमिली आ जाती है तो डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है कि उनका लीवर खराब हो रहा है, लीवर डोनेट करना होगा। मिस्टर लियान खड़े होकर कह देते हैं मैं तो अपने डैड की इस चीज़ में मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना लीवर डोनेट नहीं करूँगा। वो अपने स्टेप ब्रदर से ये करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मॉम उससे रोकने लगती है और कहती है मैं किसी डोनर का इंतजाम करती हूँ। लेकिन यहाँ पे उसका बेटा सोचने लगता है कि मुझे ही अपना लीवर डोनेट कर देना चाहिए इसलिए फादर खुश हो जाएंगे, इसलिए वो जाकर डॉक्टर के साथ अपना मैच करवाने के लिए लीवर टेस्ट करवा लेता है। मिस्टर लियान को देखते हैं जिन्हें ये रिपोर्ट मिल जाती है, वो जाकर अपने फादर को दिखाते हैं। उसके फादर कहते हैं अब तुम्हें पता चल गया होगा ना कि वो सच में मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। मिस्टर लियान कहते हैं आप खुद ये रिपोर्ट देख ले। जब वो रिपोर्ट देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं होता है। आगे देखते हैं मिस्टर लियान की स्टेप मॉम को जो कि अपने बेटे से जाके कहती है मुझे तुम्हारे फादर के लिए डोनर मिल गया है, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो उन्हें बता देता है कि मैंने तो खुद अपना टेस्ट करवा लिया है उनसे मैच करवाने के लिए ताकि मैं ही उनकी मदद कर दूँ। उसकी मॉम तो आ जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास कॉल करती है, उस रिपोर्ट के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है कि उसे तो आपका बड़ा बेटा लियान लेकर जा चुका है। ये बात सुनकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि अब लियान को रास्ते से हटाना होगा इससे पहले कि वो उस रिपोर्ट को तुम्हारे फादर तक पहुंचाए। यहाँ पे वो उसका एक्सीडेंट करवा देती है और एक्सीडेंट की न्यूज़ सुन के काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे वो लोग फिर नेक्स्ट डे पहुंचाते हैं कंपनी में ये अनाउंसमेंट करने के लिए कि अब लियान कंपनी को नहीं चला पाएगा क्योंकि वो कोमा में चला गया है और अब उसका बेटा कंपनी को चलाएगा। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर लियान वहाँ पे आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं मिस्टर लियान को देखकर। लियान कहने लगता है आप लोगों को मेरे मरने की काफ़ी जल्दी थी ना, बट मैं आपको बता दूँ कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। उसके स्टेप मॉम कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। लियान यहाँ पे कहता है अब झूठ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया था। वहाँ पे वो उस पर्सन को भी ले आते हैं जिसने लियान का एक्सीडेंट किया था, वो भी यहाँ पे सब कुछ सच बता देता है। उसके बाद लियान कहने लगता है कि आपने ही मेरी मॉम को भी मारा था, अब आप नहीं बचने वाली है। लियान उन्हें जेल भिजवाने की बात कहता है तो ये बात सुनकर उसके स्टेप ब्रदर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। लियान कहता है कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो ही नहीं। वो उसे रिपोर्ट दिखा देता है जिससे उसे भी पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है।
तब यहाँ पे चोया कहने लगती है कि यहाँ पे रह के आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस आपका ऑलरेडी नीचे वेट करी है। वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है चोया को जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ होती है। आज उसकी असिस्टेंट बैठ के चोया चुप हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लियान को अपने असिस्टेंट के साथ जो कि उससे कह रहे होते हैं कि आज तुम वेडिंग करे हो बट अभी तक तुमने मेरा एक काम नहीं किया है। मैं जीके ग्रुप के हेड से नहीं मिल पाया हूँ, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बॉस उसकी हमेशा काफ़ी तारीफें करती रहती है। देखो तो सही वो कैसा दिखता है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट कहने लगता है बॉस जिससे आज मैं वेडिंग करने वाला हूँ ना वो जीके ग्रुप की ही असिस्टेंट है, वो इस वेडिंग में जरूर आएंगे, चलिए मेरे साथ आज मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ। जैसे ही वो उसे वहाँ पे लेकर पहुँचता है तो वहाँ पे मिस्टर लियान मिलते हैं अपनी वाइफ से। यहाँ पे वो सोचते हैं कि ये तो इसकी फ्रेंड है इसलिए यहाँ पे है, दोनों को एक दूसरे पे डाउट नहीं होता है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट जाकर कहने लगता है अपनी होने वाली वाइफ से कि हम लोग वेडिंग के लिए चले, सभी कुछ रेडी है। तभी वो लोग कहते हैं कि हमारे रिंग के बॉक्स कहाँ गए। तभी यहाँ पे चोया की असिस्टेंट कहने लगती है मेरे रिंग का बॉक्स तो मेरी बॉस के पास है। ये बात सुन के सभी लोग हैरान होते हैं। मिस्टर लियान को फाइनली पता चलता है कि जी के ग्रुप का हेड कौन है और वो अपनी वाइफ से कहते हैं क्या तुम ही उस ग्रुप की बॉस हो और तुमने मुझे बताया ही नहीं। और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।